वेलकम टू वाटर फूड। आज मैं बना रही हूँ एग पकौड़ा और बहुत कम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट के साथ। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना सकते हैं आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए या फिर इवनिंग स्नैक के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें एग पकौड़ा बनाने के लिए क्या सामान चाहिए। मैंने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं, अंडों को मैंने उबाल लिया है, और ये है 1 कटोरी बेसन, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, और सब्जियों में है प्याज, 1 हरी मिर्च और हरा धनिया। प्याज को हमें पतला पतला काटना है और मिर्च को भी। तो पहले हम सब्जियां काट लेते हैं। तो ये सब्जियों को मैंने काट लिया है, अंडों को भी मैंने छील लिया है, तो इनको भी हम हाफ से कट कर देंगे। और ये एग्स का येलो वाला पार्ट निकाल के अलग रख देंगे। तो अब हमें ये जो हमने हाफ एग्स काटे हैं इनको स्टफ करना है, तो हम इन एग्स की स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए पहले हम एक पैन गरम करेंगे। उस पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, जीरे के बाद डालेंगे प्याज, प्याज को हमें थोड़ा सा भूनना है हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो ये प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। और अब इसमें डालेंगे हम 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 30 सेकेंड इसको चलाने के बाद डालेंगे ये जो हमने एग्स का येलो पार्ट निकाला था, और इसको अच्छे से मैश कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा आमचूर, थोड़े खट्टेपन के लिए। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो स्किप करें, ना डालें। अगर आप आमचूर नहीं डालेंगे तब भी ये बहुत अच्छा बनेगा, और चाहे तो आप थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, और इसको 1 मिनट चलाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये एग्स की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है हम बेसन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अंडों को कोट करने के लिए हमें बेसन का थिक पेस्ट बनाना है। इस बेसन में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, स्टफिंग में भी नमक है तो नमक उसी हिसाब से डालें, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला भी ऑप्शनल है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पेस्ट को बनाने के लिए आप इसमें हाफ हाफ क्वांटिटी में, मतलब 50% इसमें बेसन हो और 50% चावल का आटा, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। ध्यान रहे बेसन के लम्स इसमें ना रहें, वो गाठे छोटी छोटी ना रहें। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इतना थिक ही हमें पेस्ट चाहिए इसके लिए। तो अब इसको साइड रख देंगे रेस्ट होने के लिए, और हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है उसको हम एग्स में स्टफ कर लेंगे।
तो अब हम स्टफिंग को एग्स के अंदर फिल कर लेंगे। एग्स के अंदर अच्छे से दबा दबा के हमें ये भरनी है। इस तरीके से ये हमें एग्स के अंदर भरनी है स्टफिंग। इसी के साथ आप साइड में कढ़ाई में तेल गरम कर लें इनको डीप फ्राई करने के लिए। तो ये एग्स हमारे स्टफ हो गए हैं और मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तेल गरम होगा हम इनको बेसन में कोट करके डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल को मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इन एग्स को ये बेसन का जो हमने पेस्ट बनाया है उसके अंदर कोट करेंगे। और इस कढ़ाई में ऐसे डाल देंगे। सात से आठ मिनट तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो सात से आठ मिनट हो गए हैं और ये हमारे एग पकौड़ा भी बन गए हैं। तो इनको आप तेल में से निकाल लें। तो ये हमारे एग पकौड़ा रेडी हैं। इसको आप हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमेटो केचप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये हमारे बढ़िया गर्मा गर्म एग पकौड़ा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।